तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। अब बात हो रही है यहाँ एलोवेरा की, तो एलोवेरा आजकल हम सबके घर पे इजिली मिल जाता है, चाहे जल फॉर्म में हो चाहे प्लांट फॉर्म में हो। और एलोवेरा का जो जेल होता है, चाहे वो आप रियल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट करें या प्रोडक्ट वाला लें, वो दोनों ही हमारे स्किन पे बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर हमारे पिगमेंटेशन की, हमारे मार्क्स की, हमारे स्कार्स की, हमारे एक्ने पिंपल्स मार्क की हमारे चेहरे पे, या हमारे किसी भी तरह का स्कार हो जो हमारे स्किन पे रह गया है, तो उसे बहुत ही लाइटन अप करने में हेल्पफुल होता है हमारा एलोवेरा जेल। अगर आप रेगुलर एलोवेरा जेल सिर्फ लगा रही हैं, तब भी आपका जो मार्क्स है बहुत इजीली रिड्यूस होगा, लाइटन अप हो जाता है। लेकिन इस चीज को और पावरफुल बनाने के लिए, ताकि आपके जो एक्ने पिंपल मार्क है वो फटाफट से रिमूव हो जाए, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूजन अप कर देते हैं, आप वो इजली फाइट आउट हो जाए, उसका एक बहुत ही अच्छा सा रेमेडी आज आपको एलोवेरा के साथ मिलेगा। तो एलोवेरा आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके स्किन के फाइन लाइंस को दूर करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन पे हो रहे डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स और स्कार्स को भी रिड्यूस करता है। तो नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं नीम पाउडर। आप नीम क्या लीव्स भी ले सकते हैं। तो नीम पाउडर जो है उसमें होता है, या नीम जो है उसमें होती है एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी एक्ने होता है ये, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होती है हमारे एक्ने और पिंपल की, उसे ये बिल्कुल अच्छे से क्लेंस आउट करता है, रिमूव करता है, फाइट करता है, उससे आपके स्किन पर दोबारा एक्ने पिंपल मार्क्स नहीं आते हैं, और आपके स्किन को जो है भीतर से क्लेंस आउट कर देता है हमारा नीम। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी। जी हाँ, तुलसी का जो पत्ता हमने यहाँ लिया है, तुलसी में होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके एक्ने पिंपल को हील आउट करता है, सुखाता है बिल्कुल अंदर से, आपके पिंपल पस को जो रिमूव करेगा। इसमें होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो आपके एक्ने प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पे वर्क करती है, जिस वजह से फ्यूचर एक्ने और पिंपल जो है आपको नहीं आते हैं। इसलिए तुलसी भी इस रेमेडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुलसी के साथ हम यहाँ कंबाइन कर रहे हैं नीम, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो दोनों ही बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट बन जाते हैं हमारे इस रेमेडी के लिए। इसमें हमने यूज किया था टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जो आपको आपके स्किन पे जो एक्ने पिंपल मार्क्स हैं इसको ट्रीट करता है, आपके स्किन पे जो एक्ने प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है उसको ट्रीट करके आपके स्किन को बचाता है। इन फ्यूचर एक्ने पिंपल जो है वो आपको नहीं होगा, अगर आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल है तो उसे हील करेगा, उसे सूखने में मदद करता है हमारा टी ट्री ऑयल। उसके बाद और इसके साथ हमने यूज किया है टर्मरिक पाउडर। हम सबको पता है कि अगर आपको नेचुरल कॉम्प्लेक्शन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, फेयर एंड फेयर लुक चाहिए, तो आपको उसके लिए हेल्दी बेस्ट एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है नेचुरली, जो हमें उपलब्ध है नेचर से हमें, तो इसमें हमने हल्दी इसलिए डाला था ताकि आपका स्किन जो है मार्क्स रिड्यूस कर रहा है, आपका स्किन के फाइन लाइंस खत्म हो रहे हैं, आपके स्किन को हाइड्रेशन मिल रहा है, आपका स्किन मॉइस्चराइजर हो रहा है, मॉइस्चराइज हो रहा है आपका स्किन। तो साथ साथ में अगर आप इसमें हल्दी डालेंगे तो जब स्कार्स आपके साथ साथ में निकलेंगे तो साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी आपके स्किन पे एड ऑन करेगा हमारा ये टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर आपको इसमें डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका देखते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, वेलकम आप टू माय प्री वर्ल्ड। तो आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पावरफुल सा रेमेडी जो आपके सब स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। जी हाँ, तो आज का जो रेमेडी है वो है स्पेशली हमारे पिंपल एक्ने वालों के लिए, जिनके स्किन पे होते हैं बहुत सारे अमाउंट में पिंपल एक्ने पस वाले ब्रोनोस हो जाते हैं, और फिर किसी तरह से अगर वो चले भी जाते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारी स्कार्स, दाग धब्बे, ब्राउन स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, जो नेचुरली आपके स्किन से खुद ब खुद नहीं जाते। उसके लिए आपको वर्क करना होता है आपके स्किन पे, और कई बार जो है लोग इसके लिए बहुत सारे सेटिंग्स भी लेते हैं लेकिन वापस से आपको कुछ दिन बाद ना पता नहीं वो क्या अप्लाई करते हैं वापस से, फिर आपको कुछ दिन बाद आपका स्किन वैसा ही दिखने लग जाता है जैसा पहले था। तो नेचुरली आपको इसको ओवरकम करना है, तो आप आज के रेमेडी को फॉलो करें और फटाफट इसे यूज करें। आई प्रोमिस कि बहुत जल्द आपके जो एक्ने हैं वो मार्क्स हैं वो जो है
धीरे 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 कमने लग जाएंगे, रिड्यूस होने लग जाएंगे, विजिबल स्पॉटलेस स्किन मिलेगा आपको इस रेमेडी से। मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने बताया भी है कि मेरे चेहरे पे काफी एक्ने पिंपल हो गए थे, अभी भी आप देखो एक मार्क यहाँ स्लाइड सा मार्क रह गया। यस, बिकॉज की आई कीप ऑन वर्किंग विथ माई DIY, सो मेरा स्किन नेचुरली हेल्दी होता है और मुझे किसी भी तरह की केमिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, टच वुड। तो अगर आपको भी चाहिए मेरे जैसा ब्यूटीफुल स्किन नेचुरली बिल्कुल कम मेकअप में, आप बिंदास कहीं भी निकल सकें, कुछ भी पहन ले, आप बहुत अच्छे लगेंगी अगर आप सिर्फ लिपस्टिक बिंदी और काजल आइनर लगा लेती हैं मेरी तरह, तो इस तरह का हेल्दी स्किन चाहिए आपको फ्रेंड्स, तो ये आपको रेमेडी फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की रेमेडी जो है वो आपको 100% रिजल्ट देगा, वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी है मेरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो रेमेडी है इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। चलिए फटाफट वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट की नीड है। फ्रेंड्स याद रखें, अगर आपको पिंपल्स, एक्ने, ब्रोनोस हो रहे हैं, आपके स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत पुराने पिगमेंटेशन है जो नहीं खत्म हो रहे, तो इस रेमेडी को यूज करो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे और धीरे धीरे लाइटन अप होते 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 बिल्कुल ही विजिबली स्पॉटलेस स्किन मिल जाएगा आपको घर बैठे नेचुरल रेमेडी में, बिना एक्स्ट्रा कोई भी 1,000, 1,500, 2,000 रुपए सारे खर्च किए हुए भी सारी चीजें जो है, तो कम से कम पैसे में आपको घर पे रखी हुई चीजों से जो है ये इंग्रीडिएंट। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार ट्रीटमेंट लेने जाने की जरूरत नहीं है, घर पे पड़ी चीजों से आप इसको बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं इजिली नेचुरली और पा सकते हैं हेल्दी ग्लोइंग स्किन वो भी घर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग मेरे चैनल को शेयर, लाइक करें, कमेंट करें एंड एज आई ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विद मी। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा अच्छा रेमेडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो एक कंजक्शन रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने एक प्लेन बाउल रखा है, साफ बाउल रखा है और उसमें मैंने ले लिया है इस तरह से मीडियम बाउल है मेरा, इस तरह से एक बाउल जो है भर के वाटर ले लिया है। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करेंगे, एकदम लो हीट में ही हमको ये करना है। आप देख सकते हैं बर्तन में थोड़ा लाल हो गया है और इस कंकक्शन में हम डालेंगे ग्रीन टी। मैंने टेटले का ग्रीन टी यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लूज यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बैग वाली आती है ना टी, ये ग्रीन टी आपको यूज़ करना है। ये आप ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं इसे खोल कर डाल रही हूँ अच्छे से। तो ये हमें दो चाहिए, ये ग्रीन टी हमें दो बैग्स चाहिए। मैं ग्रीन टी लेती हूँ तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल रहता है, आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से लूज ले आए थोड़ा सा, तो इस रेमेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रीन टी। तो इसे अब हम अच्छे से जो है मिला लेंगे, उसके बाद इसे बॉईल करेंगे। तो पहले एक उबाल आने देते हैं इसमें, एक स्लाइट उबाल आने का वेट करेंगे। तो आप देखिए पानी का कलर जो है चेंज होने को आया है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो है तुलसी। तो पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, चेहरे को जो है साफ करने के लिए तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने तुलसी ले लिया है और मेरे घर में तुलसी अवेलेबल था, हर किसी के घर में तुलसी मिल जाता है। 5 से 7 पत्तियां आपको ले लेनी है इसमें, तो इसे भी एक बार एक स्टेयर दे देंगे। और पानी हम मुझे बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, हाफ कर लेना है। अभी तुलसी डाला है इसमें हमने, तो तुलसी
इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसमें जाने के बाद। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एक्ने पिंपल मार्क्स पिगमेंटेशन पे वर्क करता है वो है नीम पाउडर। तो यहाँ मैंने नीम पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून भर के, इसे अच्छे से आप जो है मिक्स करेंगे क्योंकि मैंने पाउडर लिया है। और अब हम इसे जो है बिल्कुल थिकन होने तक, गाढ़ा होने तक जो है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसे बॉईल होने देना है हमें, इसे थिकन होने देना है, रिड्यूस होने देना है हमें। और ये तैयार हो रहा है आपका मैजिकल डीआईवाई जो क्रेम है, इसे लगाते ही आपके एक्ने पिंपल जो है वो छूमंतर हो जाएंगे, उसके पिगमेंटेशन स्पेशली। तो उसके लिए ये जो सुपर बेस्ट है, इसे बॉईल करके इसे हाफ करना है, जब तक ये बॉईल कर रहा है तब तक के लिए वेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए जो हमारा कंकक्शन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, बस 2 से 3 मिनट और रिड्यूस करेंगे इसे। तो ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, स्पॉन्ज पे बंद करेंगे अपना और इसे छान लेंगे। तो अब हम इसे छानेंगे, क्योंकि पत्ते हैं इसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसे सीव कर लेना है आपको। ये देखिए तो ये हमें मिल गया है हमारा जादुई कंकक्शन। तो चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये हमारा कंकक्शन रेडी हो गया है। इस कंकक्शन में सबसे पहले तो हमें डालना है गुलाब जल। तो गुलाबरी यहाँ हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून भरकर, 1.5 टेबलस्पून ठंडा हो जाएगा, ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, देखिए बिल्कुल उंगली में डाल पा रही हूँ, उतना ठंडा हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एक और है जो हम सबके घरों में मिलता है इजीली, और पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, एक्ने पिंपल को दूर करने के लिए नंबर 1 माना जाता है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए माना जाता है, एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, 2 चम्मच भर के मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। इसको हल्का सा मिक्स करने की कोशिश करेंगे। जैसा जैसा आप इसे मिक्स करते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा खुद ब खुद। और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है टी ट्री ऑयल। तो एक्ने पिंपल को दूर रखने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, रिच होता है तो ये 2 से 3 ड्रॉप बस, ज़्यादा नहीं। अब टी ट्री ऑयल लेना है, मैंने गुड वाइब्स का लिया है। टी ट्री ऑयल में जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो ट्रीट करता है एक्ने को, मेंटेन करता है आपके स्किन हेल्थ को, और आपके एक्ने पिंपल को दूर करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।
बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो रेडी हो जाएगा हमारा ब्यूटीफुल सा मैजिकल सा DIY एलोवेरा मैजिकल क्रीम, जिससे आपके पिंपल एक्ने तो दूर होंगे ही होंगे, आपके स्किन के डलनेस को भी दूर करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, पिगमेंटेशन, झाइयां, इन सब को दूर करेगा। ये देखिए फेटने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, हल्दी 1 टेबल स्पून, और ये जो है टर्मरिक जो हमारी ये कस्तूरी हल्दी है, आप इस तरह का फ्रॉट ले सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए, या कॉफ़ी ब्लेंडर आता है वो भी आप ले सकते हैं, वो बिल्कुल आपके उस सहूलियत पे है आप कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए कलर बिल्कुल ही बहुत सुंदर आ गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल और गुलाब जल हमने ऐड कर दिया था जिसका अपना एसेंस होता है। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा क्रीम रेडी हो गया है, और अब इस क्रीम को आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी इस तरह की खाली बॉटल में, तो मैं भी इसे स्टोर कर रही हूँ बिल्कुल। और ये देखिए बिल्कुल फाइन ब्यूटीफुल सा क्रीम रेडी हुआ है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने क्रीम को जो है स्टोर कर लिया है अच्छे से, और इस तरह से लॉक करके मैं सिक्योर कर लूँगी, और फिर फादर ये जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने, और से रूम टेम्परेचर पे आप बिल्कुल जो है स्टोर कर सकते हैं, अभी ठंड का टाइम है, बिल्कुल किसी भी तरह की खराबी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्रीम को जो है स्टोर कर लिया है अपने बॉटल में, और ऐसे रूम टेम्परेचर पे आप आराम से रख सकते हैं, ठंड का वक्त है, ऐसे भी इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं जिस वजह से खराब हो। और ये जो बचा हुआ मेरे पास है ये मैं पहले लगा कर ख़त्म कर दूंगी, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसे मैं फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ उठाकर। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा क्रीम रेडी हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मैजिकल एलोवेरा DIY क्रीम जो रेडी हो गया, इसे मैंने स्टोर कर लिया है अपने इस छोटू से कंटेनर में, आप भी इसे स्टोर करें, इसमें हमने टर्मरिक डाला है पर डजंट मैटर, अभी ठंड का टाइम है आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकती हैं, आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट इसे करते हैं अप्लाई और देख लेते हैं इसका मैजिक, क्योंकि मैं तो इसे हमेशा ही अप्लाई करते आ रही हूँ, हमेशा ही इसे अप्लाई करती हूँ अपने स्किन पे। तो आपने देखा मैंने कैसे एक क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया, और इस क्रीम को आपको दिन में 2 बार लगाना है, एक अर्ली मॉर्निंग आप लगा सकते हैं उठकर, और उसके बाद आप सोने से पहले चेहरा वॉश आउट करके इस क्रीम को जरूर जरूर लगाएं। याद रखिए आपको किसी भी मॉइस्चराइजर पे या कोई सनस्क्रीन पे इसको नहीं लगाना है, ये क्रीम आपके ऐसा एक काम करे, अगर आप ऑफिस जा रही है मॉर्निंग में जब बाकी प्रिपरेशन कर रही होती है तो फटाफट चेहरा वॉश करके आपने क्रीम लगाकर छोड़ दें, ये अपना वर्क करेगा। उसके बाद जब ऑफिस के लिए रेडी तो इससे फिर वॉश आउट कर ले, तब अपना जो है नेचुरल मेकअप जो भी मेकअप आप करती हैं डे टू डे लाइफ में वो आप करें। अगेन इन द नाइट में तो ये करना ही करना है, क्योंकि कोई भी क्रीम हो कोई भी रेमेडी हो नाइट पे अपना 100% देती है, क्योंकि किसी भी तरह का स्किन को डिस्टर्बेंस या धूल डस्ट गंदगी नहीं मिलता, और आपके चेहरे के सेल्स पे इजिली वर्कआउट करता है हमारा रेमेडी। तो रात को तब वो करना ही है, जैसे क्लेंज आउट कर लेती है मेकअप उतारने के बाद चेहरा अच्छे से धो लें, और धो के पैड ड्राई करके आप से जो है अच्छे से रेसोग्लोमोशन में लगाकर पूरे स्किन पे इस क्रीम को छोड़ दें, और आप देखें कि बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा इस तरह का लाइट एंड व्हाइट एंड ग्लोइंग स्किन घर पर हमारे इस मैजिकल क्रीम से। तो आई होप आपको मेरा आज का ये रेमेडी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का रेमेडी अच्छा लगा है तो वंस अगेन फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग मेरे चैनल को शेयर लाइक करें कमेंट करें, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एज आई ऑलवेज से। तब तक के लिए stay healthy, be happy, good day, bye bye, see you in the next video।